बैंगन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन को काट के तैयार कर लेंगे। तो पीछे का थोड़ा सा डंठल हटा ले, पूरा डंठल ना हटाए यहाँ पे बैंगन का, और इसे बीच से इस तरह से कट लगा ले। तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस शेप में हमें कट करना है, बैंगन को पूरा कट ना करें, इस तरह से ये जुड़े रहने चाहिए। तो इसी तरह से आप सारे बैंगन को कट करके तैयार कर ले। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे बैंगन को कट करके पानी में डुबो के रखा है ताकि ये जो है काले ना पड़े। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब तेल का इस्तेमाल करेंगे। तेल के गर्म होते ही यहाँ पे ये बैंगन डाल देंगे, पर बैंगन को हमें पूरा ड्राई करके ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने इसे पानी में डुबो के रखा था। इसीलिए यहाँ पे इसे अच्छी तरह से पोंछ के इस्तेमाल करें, नहीं तो तेल के छींटे जो है वो हाथ पे या आपके शरीर पे भी आ सकते हैं, तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारे बैंगन डाल के इसे ढक्कन रख के 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई हो जाने दें। तो तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद ये ढक्कन उठाया मैंने और ये हमारे जो बैंगन है इसे अलट पलट करके रख देती हूँ मैं, और इसे फिर से आप ढक्कन रख के फ्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 1-2 मिनट के बाद जो है ये जो बैंगन है काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। आप चाहे तो बैंगन को यहाँ पे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर ये बहुत ही आसान तरीका है इसे फ्राई करने का कम तेल में। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये सारे बैंगन को मैंने निकाल के तैयार कर लिया है और ये हमारे जो बैंगन है ये फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं अलग रख देती हूँ। अब हम चलते हैं मसाला बनाने की प्रोसेस में। तो सबसे पहले एक मिक्सर का ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे प्याज। तो तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे, जिसे मैंने रफली चॉप करके ले लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्याज डाल दिए हैं मैंने। अब हम यहाँ पे डाल देंगे मूंगफली। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने मूंगफली का इस्तेमाल किया है, तो ये मूंगफली भी डाल देती हूँ मैं। यहीं पे डाल देंगे नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादे का यूज़ किया है मैंने, डेसिकेटेड कोकोनट का। आप चाहे तो सूखा नारियल जो आपके पास हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5-7 लहसुन की कलियाँ और 1.5 इंच अदरक को बारीक टुकड़ों में कट करके ले लिया है। तो यहाँ पर ये अदरक लहसुन को भी डाल देती हूँ मैं, और इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप के करीब पानी ताकि ये जो मिक्सर है काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और ब्लेंडिंग जार का ढक्कन बंद करके हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड करके रेडी कर दिया है और ये हमारा जो मसाला पेस्ट है बनके तैयार है। तो आप चलते हैं हम सब्ज़ी बनाने की प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम जो कढ़ाई हमने बैंगन को फ्राई करने ली थी उसी में थोड़ा और तेल डाल देंगे, और तेल के गर्म होते ही हम यहाँ पर जीरा का इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन 1.5 छोटे चम्मच के करीब आप यहाँ पर जीरे का इस्तेमाल करें और 1/4 छोटे चम्मच के करीब हींग का इस्तेमाल करें। जीरा और हींग को हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ये मसाला पेस्ट जो कि हमने अभी अभी बनाया है। तो यहाँ पे ये सारा मसाला पेस्ट मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और मेन काम सबसे पहले हमें यही करना है ये मसाला पेस्ट डालने के बाद, कि गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि ये जो मसाला है वो कच्चा है, इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स कच्चे यूज़ किए हैं, इसीलिए हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। अब हम इसे ढक्कन रख के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो मीडियम फ्लेम रख के इसे 2 मिनट के लिए आप पका लें। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ढक्कन उठाया मैंने और ये जो हमारा मसाला है काफ़ी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है। पर अब हम इसे और भूनेंगे 2 मिनट के लिए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, जब तक इसका रंग थोड़ा डिफरेंट ना हो जाए, थोड़ा चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मसाले का कलर जो है काफ़ी अच्छी तरह से बदल चुका है। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे सूखे मसाले डाल देंगे। तो तकरीबन 1.5 छोटे चम्मच के करीब मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहीं पर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दी है मैंने, और यहीं पे डाल देंगे धनिया और जीरे का पाउडर। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया जीरे का पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये सूखे मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, जब तक ये सूखे मसालों का कच्चापन निकल ना जाए। तो यहाँ पे इसे इस तरह से चलाते हुए 2 मिनट के लिए हमें और अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो तकरीबन 2-3 मिनट होते होते हमारे जो सूखे मसाले हैं काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम यहाँ पर फ्राई किए हुए बैंगन डाल देंगे। तो ये फ्राई किए हुए बैंगन को मैं डाल देती हूँ इस मसाले के साथ और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करें, क्योंकि ये जो बैंगन है ऑलमोस्ट पूरे पके हुए हैं, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो बस ये मसाला बैंगन के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए, तब तक इसे इस तरह से चलाते हुए पकाए। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, और यहीं पर डाल देंगे नमक। तो आप स्वाद के अनुसार आप यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करें, जो कि हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करें ताकि जो बैंगन है वो टूटे ना।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैंगन जो है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स होके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक्कन रख के मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखे और 10-12 मिनट के लिए इसे इस तरह से पक जाने दे। 10-12 मिनट के बाद ये ढक्कन उठाया मैंने और इसमें हम डाल देंगे 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पे जो हमारे बैंगन है काफ़ी अच्छी तरह से पक के तैयार है, जो थोड़ी बहुत कसर इसमें बाकी थी वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़, तो यहाँ पे तकरीबन 1 छोटा चम्मच के करीब गुड़ का इस्तेमाल करें और इसमें ये थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। गुड़ का इस्तेमाल करने से बैंगन में जो नेचुरली थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है वो भी निकल जाती है और जो सब्जी है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे ये हमारा बैंगन मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, तो ले चलती हूँ मैं इसे सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर देती हूँ मैं। तो आप इस बैंगन मसाले को रोटी और राइस दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।